आइए अब आपको दिखाते हैं जर्जर होते पर्यटन निगम के होटलों की दरकती दीवारों की वो दास्तान जो प्रबंधन की नाकामी और निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने की उलझन को दर्शाती है। बीमार और बंद इकाइयों का भौतिक सत्यापन हो चुका है और इनके मूल्यांकन की रिपोर्ट आरटीडीसी प्रबंधन को सौंपी जा चुकी है। ऐसे में सरकार का बीमार या बंद इकाइयों को बेचने या पीपीपी पर देने का फैसला कर सकती है, जो अन्य चालू इकाइयों में जान फूंक सकता है। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। पर्यटन निगम का गठन पर्यटकों को सस्ती और सहज सेवा देने के मकसद से किया गया था। करीब ढाई दशक तक परंपरागत सेवा मुहैया कराने के बाद अब बीते एक दशक से पर्यटन निगम का ढर्रा खराब हो चुका है। निजी होटल्स द्वारा दी जा रही आधुनिक सुविधा की तुलना में पर्यटन निगम के जर्जर होटलों से सैलानी अब इन इकाइयों से अलग होने लगे हैं। प्रबंधन की नाकामी और प्रतिस्पर्धा में खुद को ढाल नहीं पाने से पर्यटन निगम की इकाइयां लगातार घाटे के दलदल में फंसती चली गयी। अभी तक पर्यटन निगम का समग्र घाटा 180 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। पर्यटन निगम के चालू 27 में से 15 इकाई घाटे में चल रही है। ऐसे में सरकार ने पीडी कोर से पर्यटन निगम की 73 इकाइयों का सर्वे करवाया था। सरकार का उद्देश्य किसी भी तरह से इन इकाइयों को चलाना था, लेकिन पीडी कोर के रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि 15 इकाई किसी भी सूरत में चलाई नहीं जा सकती है। 11 इकाई ही चलाने योग्य है और बाकी इकाई नीचे सहभागिता, लीज या फिर बेचान करने योग्य है। इसके बाद प्रदेश में सरकार बदल गई, लेकिन नई सरकार ने भी तीन श्रेणियों में पर्यटन निगम की इकाइयों का विभाजन कर निस्तारण करने का फैसला किया है। वर्तमान सरकार द्वारा इन इकाइयों का भौतिक सत्यापन और मूल्यांकन करवाया गया। अब सरकार इस मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर इन इकाइयों का निस्तारण कर सकती है। जिन इकाइयों को पहले दौर में निस्तारण किया जा सकता है, उनमें बहरोड, जयपुर आगरा नेशनल हाईवे का दौसा और महवा मिडवे शामिल है। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को सस्ती और सहज सेवा देने वाले नाथ द्वारा और सालासार की यात्रिका और पुष्कर के दोनों टूरिस्ट विलेज भी सूची में शामिल है। दूर दराज के पर्यटन स्थल जिनमें मंडावा, गुलाबपुरा, पिंडवाड़ा, देवली, अलवर, वतनगढ़, शाहपुरा शामिल है। पर्यटन निगम की बीमार इकाइयों को बेचने, पीपीपी पर देने और कुछ को चलाने की तीन स्तरीय योजना को वित्त विभाग पहले ही मंजूरी दे चुका है। जल्द ही योजना पर कार्य शुरू करने के पहले चरण में 15 इकाइयों को नीलाम करने का फैसला किया गया है। दरअसल सरकार की मंशा है कि इन इकाइयों को बेचकर जो राशि मिलेगी, उससे चलने योग्य इकाइयों में विकास करवाया जाएगा। कुछ अन्य इकाइयों को भी निजी क्षेत्र को लीज, प्रबंधन का निजीकरण या पीपीपी पर देने से भी राजस्व जुटाने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने का रास्ता अपनाया जा सकता है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।